Hello everyone, my name is Gaurav Patak and I will teach you all the concepts of public health engineering. So this is the subject of diploma 6th semester, and also the topic of public health engineering deals with the same as the environmental engineering in the BTech courses. Okay, so ye public health engineering jo hai diploma ke liye 6th semester mein useful hai aur environmental engineering और इनके सेम कॉन्सेप्ट है, तो यदि ये दोनों के लिए हेल्पफुल है. ओके, सो मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ. हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, कैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता है, उसमें इंजीनियर कैसे काम करते हैं, बेसिक उनके क्या तरीके हैं, किस तरीके से होता है. तो स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से. ओके, सो हमने पूरे सिलेबस को 60 लेक्चर्स में यूनिट वाइज चेंज करके रखा है. तो मैं आपको बता देता हूँ. पहला हम इंट्रोडक्शन रहेगा डिमांड ऑफ वाटर. सेकंड वन इज द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ओके, थर्ड वन, ओके, दिस इज द सेकंड यूनिट, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. तीसरा है आपका कन्वेयंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. फोर्थ है आपका बिल्डिंग सैनिटेशन, और सिक्स्थ है आपका एनालिसिस ऑफ सीवेज. ओके, एंड सेवेंथ एंड द लास्ट वन इज द रूरल सैनिटेशन. ओके, सो हम पढ़ते जाएंगे एक एक यूनिट को, बट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ वाटर. इंट्रोडक्शन में ये है कि हमारा जो पीएचई डिपार्टमेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे कि पीएचई डिपार्टमेंट है क्या, कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं, और उसमें काम करने वाले पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का क्या रोल है. सो पहला टॉपिक बोलता है कि ड्यूटीज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर. अब मैं आपको बता दूं, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हेल्थ का ध्यान रखेगा. अब हेल्थ किस चीज से हमारी बिगड़ती है, मेजरली हम वाटर को जब कंज्यूम करते हैं तब हमारी हेल्थ होती है. साथ ही साथ एनवायरमेंट की हेल्थ के बारे में भी इंजीनियर को कंसर्न रखना पड़ता है. सो यदि हम कोई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो भी हमको ध्यान रखना है एनवायरमेंट को दिक्कत ना हो, और यदि एनवायरमेंट से मिक्स हो गए कोई हार्मफुल चीजें हमारे पास आ रहे हैं तो हमको उसको भी ट्रीट करना है. ओके, तो बेसिक ये चीज है कि रूरल और अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम, जैसे आप देख रहे हैं कि रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड रूरल सैनिटेशन स्कीम. अब रूरल मतलब ग्रामीण और शहरी, अर्बन मतलब शहरी, इनमें वाटर सप्लाई स्कीम्स के बारे में प्लानिंग होती है, और प्लान करेंगे कि कैसे करना है, ओरिएंटेशन कैसा है, जगह कैसी है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम अर्बन और रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स को करते हैं. ठीक है, कि पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छा पानी का पैरामीटर कैसा है, इसमें फ्लोराइड ज्यादा तो नहीं है, बीओडी तो ज्यादा नहीं है, इसके बाद टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा तो नहीं है, और इन सबको हम ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ेगा. ट्रीट करके ही हम उसे करते हैं. यदि हम कोई नेचुरल रिसोर्स से पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं हमको, तो जरूरी नहीं है कि वो क्लियर हो, तो इसलिए हम चेक करते हैं उसे. हम पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे आगे सेकेंड यूनिट में, उन पैरामीटर्स में हम चेक करते हैं कि हमारी सूटेबल हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से मिनरल्स जरूरी हैं, कौन सी किस केमिकल या सब्सटेंस की मात्रा कितनी डिसाइड है. तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से पब्लिक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, उसके हिसाब से हमको पानी को सप्लाई करना पड़ेगा टू द पब्लिक. ओके, सो एक एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ इंजीनियर रूरल एंड अर्बन स्कीम्स में प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करता है, और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो भी मेंटेनेंस होता है वो भी करते हैं. साथ ही साथ वाटर सप्लाई स्कीम एज वेल एज सैनिटेशन स्कीम. सैनिटेशन मतलब मैं आपको बता दी, जो भी हम पानी को यूज करने के बाद वेस्ट जनरेट करते हैं, आपके घर से जो फूड वेस्ट निकल रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा निकल रहा है, किचन वेस्ट निकल रहा है, बेसिन सिंक का जितना भी वेस्ट निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड, किसी भी फॉर्मेट निकल रहा है, आपके घर से जो कचरा निकल रहा है वो सॉलिड वेस्ट है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हम फेंक रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो ये इतने सारे के वेस्ट, सारे जो वेस्ट है उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. हम ऐसे ही एक्सपोज नहीं कर सकते नेचर में, हमको उसको प्रॉपर डिस्पोज करना पड़ेगा. तो अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से कौन सा टाइप का जो कचरा है हमको करना है, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं. हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर क्या करता है, इन सारी मेजरली इनमें दिया हुआ है कि वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड रूरल सैनिटेशन स्कीम,
पानी हम कैसा अच्छा पिए, और यदि हमने उसका वेस्ट जनरेट करा है तो हम उसको प्रॉपर डिस्पोजल कैसे करें, हम ऐसे ही नहीं उसको एक्सपोज कर सकते हैं नेचर में। तो इनके इनकी जो जितनी भी स्कीम्स बन रही हैं, आप जो सुनते हैं देखते हैं पेपर में पढ़ते हैं, तो उसमें प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, इन सब का पीछे जो है बैकबोन है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर है। ठीक है, अब इसमें लिखा है था डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियर अंडरटेक्स फील्ड इन्वेस्टिगेशन। अब ये स्कीम्स में काम करने के पीछे कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले देखेंगे कि यदि हमको डिस्ट्रीब्यूशन देना है, कोई भी रिजर्वायर है हमको उससे सप्लाई देना है, तो हम उस जब तक फील्ड पर नहीं जाएंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि इसमें किस टाइप का हम कैसे हम इसमें पाइपलाइंस को हम बिछाएंगे और कैसे करेंगे। तो आपको फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना है, सेकंड सर्वे करना है, सर्वे में हम बहुत सारे डेटा लेते हैं, सेकंड थर्ड वन इज डेटा कलेक्शन, एंड डेटा कलेक्शन के बाद हम प्रिपेरेशन करते हैं कि हमको कौन कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एग्जीक्यूट करेंगे हम जो कौन कौन जरूरत पड़ेगी, इन सबको मिला के हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के बाद हम उसको मेंटेनेंस भी करेंगे। मेंटेनेंस में ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ओवरहेड टैंक बनाया है और ओवरहेड टैंक में आपने पंप भी लगाया हुआ है, तो पंप तो मशीन है, मशीन कुछ समय बाद मेंटेनेंस मांगेगी, या पाइप्स जो हमने उसमें फिट किए हुए हैं वो कुछ समय बाद उनकी लाइफ स्पैन तब तक है उसके बाद उसमें मेंटेनेंस आएगा, कभी लीकेज आ सकता है ना, बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। तो मेंटेनेंस भी हम सारी चीजें एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को बनानी होती है। द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियर इज टू डू टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम सबमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर अर्बन सेक्टर। ओके, तो ये इस पॉइंट में इस लाइन में ये बताना चाह रहे हैं कि वाटर सप्लाई स्कीम्स जो होती हैं, वाटर सप्लाई जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, ऐसा इस टाइप से बनाएंगे, या तो ग्रिड आइटम पैटर्न में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाटर को, या हम रेडियल में करेंगे, या ग्रिड आयरन पैटर्न में करेंगे, या हम इसमें पंप लगाएंगे, या हम बिना पंप के लगाएंगे, हम इसमें ओवरहेड टैंक देंगे, या तो हम इसको सरफेस वाटर देंगे। तो हमको बहुत सारे करना पड़ते हैं ना, बहुत सारे हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद टेक्निकली जो भी अच्छा है हम उसको रखेंगे। तो उसके लिए टेक्निकल स्क्रूटनी होती है, दिस इज द टेक्निकल स्क्रूटनी वाटर सप्लाई की, एज इट इज सैनिटेशन की भी है, कि हमको इस जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यदि हमको पानी पहुंचाना है तो तीन चार रास्ते हैं, तीन चार तरीके हैं, वो हम उसमें से जो भी बेस्ट है वो एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर अडॉप्ट करेगा। एज इट इज जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे हाउस से, हमारे इंडस्ट्री से, है ना, कोई पब्लिक जगह है जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, गार्डन्स हो गए, उसमें भी कोई यदि वेस्ट जनरेट हो रहा है, अब वेस्ट यहाँ पे लिखा देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया सॉलिड वेस्ट जो भी हम कपड़े हो गए, या कोई कागज हो गया, या फूड वेस्ट हो गया, है ना, सैनिटरी जितना भी वेस्ट है वो सारा हमारा, हमको उसका भी वेस्ट का मैनेजमेंट करना है साथ ही साथ। तो वो भी क्या है, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर उसको करवाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट क्या है, कि पहला तो ये दिया हुआ है कि यदि पीएचई नहीं रहेगा तो हमको एडिक्वेट मतलब भरपूर मात्रा में सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नेचुरल रिजर्वायर है या कहीं से भी पानी है उसको लेकर उसमें ट्रीटमेंट करके, कोई भी कमी है उसको बढ़ा के, कोई एक्स्ट्रा चीज उसको कम करके मेंटेन करके हमको पीने लायक बना के देता है। ठीक है, इनकी पूरी प्लानिंग इसी के लिए रहती है, ये क्या करती है, प्लान करते हैं और वाटर सप्लाई स्कीम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी प्लान यहाँ पे बना हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ओके, सेकंड वन इज दैट टू प्रोवाइड सैनिटरी फैसिलिटीज टू द रूरल एरिया बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, सस्ती टेक्नोलॉजीज, कम पैसे में हो जाने वाली टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए हमारे रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी फैसिलिटीज देते हैं, मतलब सैनिटरी फैसिलिटीज की जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, एनिमल का है, या फूड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी है, उसको क्या करेंगे, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करेंगे। थर्ड वन इज द सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, वाटर रिसोर्स, डीए, इंडस्ट्री, लेबर, स्टील एंड माइन, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इन सबके साथ टेक्निकल असिस्टेंस देता है ना। यदि एक शहर से दूसरे शहर यदि कोई पाइपलाइन जा रही है तो उसमें बहुत सारे
डिपार्टमेंट्स का लैंड होगी, उनके पहले से एग्जिस्टिंग स्कीम्स होंगी, उनके साथ कोलैबोरेशन होगा, या फिर उनको कोई चीज हमको चेंज करना है, उनको हेल्प करना है, उनके साथ मिलके काम करना है, तो टेक्निकल आइडियाज के साथ हमको टेक्निकल असिस्टेंट देना होगा। तो पब्लिक हेल्थ पीएचई डिपार्टमेंट का ये भी काम रहता है कि वाटर सप्लाई करना है। अब जैसे कि स्टील लेबर्स, माइंस, हेल्थ एक्सेट्रा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके साथ इनको रिफर करते, प्रॉब्लम रिफर्स करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है। और साथ में क्या है, लोकल बॉडीज, एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, जेबीआईसी, टेक्नो इकोनॉमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्कीम्स। ओके, जो भी स्कीम्स बन रही हैं उनको गहराई से पढ़ के, उस पर प्लानिंग करके, उनको एग्जामिन करते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करते हैं कि जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। फिफ्थ वन इज द गाइडेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेचुरी वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड्स। साथ ही साथ क्या है, वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड्स, ये दो अलग अलग बोर्ड्स को बनाया जाता है, गठित किया जाता है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। मेंटेनेंस से लेकर यदि कोई गड़बड़ी आती है उसको बाद उसमें कोई चीज लगती है, उसमें कोई मेंटेनेंस है, वो सारी चीज के लिए हाँ वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड्स को बनाया जाता है। ठीक है, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑल्सो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करवाता है जिसमें कि ट्रेनिंग ट्रेन ट्रेन किया जाता है लोगों को। ठीक, टेक्निकल असिस्टेंट टू द वेरियस स्टेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट्स डीपीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर वाटर सप्लाई सीवरेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। साथ ही साथ क्या है, वाटर सप्लाई सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डीपीआर प्रेजेंट करता है और साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंस देता है जो भी जरूरत पड़ती है उनको। और भी दिए हुए हैं यहाँ पे कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, रिसर्च लैब में। अब यदि मान लीजिए कोई लैब्स वगैरह है उसमें पीएचई की जरूरत पड़ रही है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिसर्च लैब में, तो भी उसको वह हेल्प करते हैं। ओके, कोलैबोरेशन रहता है। यदि मेरे पास, मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हूँ और मुझे कहीं पे वाटर को ट्रीट करना है, बट मेरे पास, मैं क्या करूंगा, उसे वहां का सैंपल लूंगा, सैंपल के बाद में उसमें क्या करूंगा, सैंपल के बाद में उसे चेंज करूंगा, वहां पे दूंगा रिसर्च लैब्स में, मेडिकल काम वो वाले सभी चीज में हम देने के बाद हम उसे क्या करेंगे उसमें रिसर्च लैब और वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम करेंगे। पानी का सैंपल लिया हमने या किसी भी वहां का सैंपल लिया, सैंपल को हम ट्रीट देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये इट इज यूजेबल यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग और नॉट। ओके, और बीआईएस के साथ काम करता है ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।